हाय फ्रेंड, मेरा नाम रिजवान, आप देख रहे हैं AMR अंसारी। फ्रेंड, ये ओप्पो का A37 मॉडल है, इसमें नेटवर्क का प्रॉब्लम है। चलिए हम देख लेते हैं सिम लगा कर कि इसमें नेटवर्क आ रहा है या नहीं, फिर इसका रिपेयरिंग करके दिखाएंगे कि ये कैसे इसमें नेटवर्क नहीं आ रहा है। देखिए फ्रेंड, इसको हम रिबूट रिस्टार्ट पे कर दिए हैं। रिस्टार्ट होने के बाद इसमें नेटवर्क का सिग्नल देखिए फ्रेंड, देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें नेटवर्क बिल्कुल नहीं आ रहा है। देखिए फ्रेंड, ये नेटवर्क बिल्कुल नहीं आ रहा है इसमें। चलिए फटाफट इसको हम देख लेते हैं। फ्रेंड, ये मोबाइल को हम पहले से ओपन करके रखे थे और इसमें नेटवर्क एंटीना का वायर नहीं था। देखिए फ्रेंड, इसको किसी कारीगर ने बनाया है और इसका एंटीना स्विच और नेटवर्क एंटीना वायर दोनों गायब कर दिया है। इसमें हम जम्फर लगाकर इसमें नेटवर्क का प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। चलिए तब तक इसको थोड़ा सा साफ़ कर देते हैं। साफ़ करने के बाद इसमें हम देखेंगे, मल्टीमीटर से चेक करेंगे कि इसमें कहां से कहां प्रॉब्लम है। तब तक इसकी बैटरी को निकाल देते हैं। बैटरी को निकालने के बाद सिम को भी निकाल देते हैं। फिर उसके बाद इसको देखते हैं कि कहां से कहां इसका जम्फर इसमें लगेगा। देखिए फ्रेंड, इसका पॉइंट बिल्कुल टूटा हुआ है। थोड़ा सा जूम करके हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे ताकि आपके भी समझ में आ जाए कि इसका पूरा पॉइंट टूटा हुआ है। देखिए फ्रेंड, जो एंटीना वायर का कनेक्टर होता है वो भी इसका टूटा हुआ है। चलिए इसके पैनल को भी थोड़ा सा निकाल देते हैं ताकि नेटवर्क आईसी का सप्लाई कहाँ से कहाँ है वो समझ में आए। थोड़ा सा साफ़ कर देते हैं। साफ़ करने के बाद अब इसको हम मल्टीमीटर से एक बार चेक कर लेते हैं कि कौन सा कनेक्शन कहाँ आ रहा है। देखिए फ्रेंड, मल्टीमीटर को बजर लाइन पे रखना है ताकि बीप की आवाज़ समझ में आए। देखिए फ्रेंड, माइनस कहीं भी रख सकते हो और प्लस उसके पॉइंट पे लगा कर चेक करना है। देखिए फ्रेंड, ये वाले रेजिस्टेंस पे सप्लाई आ रही है, बीप की आवाज़ सुनाई दे रहा है। देखिए फ्रेंड, देखिए हम आपको दिखा रहे हैं कि कहाँ से कहाँ इसमें जम्फर लगेगा। फिर उसके बाद हम देखिए फ्रेंड, ये वाले रेजिस्टेंस पे एक ये प्लस का पॉइंट है और ये वाला प्लस का पॉइंट है। इस पे प्लस लगेगा, प्लस का वायर, और दूसरा वायर देखिए माइनस, आप कहीं भी लगा सकते हो, ये माइनस है। बाकी ये सब तीनों पॉइंट माइनस है, आप कहीं भी लगा सकते हो। चलिए फटाफट इसमें हम जम्फर कर देते हैं। देखिए फ्रेंड, ये रेजिस्टेंस के इस वाले पॉइंट पे लगेगा, ये प्लस वाला पॉइंट है जो नेटवर्क की सप्लाई इस पे रहती है। चलिए तो इसको फटाफट वायर को काट देते हैं। काटने के बाद इधर वाले पॉइंट पे फिर लगाएंगे। देखिए फ्रेंड, ये प्लस वाला पॉइंट है, प्लस वाला पॉइंट देखिए, ये प्लस वाला पॉइंट लग गया है। अब इसमें दूसरा वायर जोड़ेंगे माइनस का, माइनस आप कहीं भी लगा सकते हो। देखिए फ्रेंड,
ये यहाँ लगा हुआ है। अब इसमें दूसरा वायर लगाएंगे माइनस का। देखिए फ्रेंड, माइनस आप कहीं भी लगा सकते हो, माइनस से कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए ये यहाँ लग गया है। अब दूसरा छेड़ा यहाँ पे लगाएंगे। देखिए फ्रेंड ये लग गया है। और यहाँ पे भी माइनस का पॉइंट कहीं भी लगा सकते हो। देखिए फ्रेंड माइनस का पॉइंट यहाँ लग गया। अब हम आपको एक बार दिखा देते हैं कि कौन सा पॉइंट कहाँ पे लगा हुआ है। देखिए फ्रेंड ये माइनस है, माइनस वाला पॉइंट। चलिए फ्रेंड इसमें हम बैटरी लगाकर इसको ओपन करके चेक कर लेते हैं कि इसमें नेटवर्क आया या नहीं। देखिए फ्रेंड सिम लगा लेते हैं। सिम लगाने के बाद मोबाइल को ऑन करेंगे और ऑन करके देखेंगे कि इसका प्रॉब्लम सोल्व हुआ या नहीं। तब तक के लिए थोड़ा वेट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड ये मोबाइल ऑन हो गया है। अब इसमें देखिए नेटवर्क आ गया है। हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए फ्रेंड एयरटेल लिख के आ गया है। हमारी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वॉचिंग।